दोस्तों फाइनली हम फिर आ गए हैं यहाँ पे ऊंचार में। वो 1 जनवरी नहीं था, सॉरी 1 दिसंबर था, तो इसलिए हम फिर दोबारा मेला आए आपको बताने के लिए। तो ठीक है, आज भी दिखाते हैं आज का। कल कुछ मैं वो जिस दिन में प्रोजेक्टर हो गया था, वो क्या बोलते हैं, हम फ्यूचर में चले गए थे। तो अब हम आए प्रेजेंट में बहुत देर बाद लौट कर, तो अब हम प्रेजेंट के डालेंगे और यहाँ के झूला और दिखाएंगे जो भी अच्छा लगे। यार थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो, इससे क्या होता है कि अपना मनोबल बना रहता है कि हाँ यार वीडियो पहुँच रहा है काफ़ी दूर तक का और दोस्तों को पसंद आ रहा है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दें। और भाई क्या दिक्कत है। तो गाइस मेले की असली जान होती है, जो कि मेले में अगर झूले ना हो तो मेले बहुत वीरान लगने लगता है। और इसमें जो रंग बिरंगी लाइट है रात में, इस झूलों को देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ आइए रात में इस मेले का एंजॉय कीजिए। और यहाँ का प्लेस बहुत बेहतर है, कई सारे झूलाए आए हैं जो कि हम इसमें रिकवर करेंगे। हमारा बड़ा झूला है, एक नाव झूला है, तो कितना सुंदर मोह मोह लेती है। और हाँ चलिए तुमको और सारे झूले दिखाते हैं। तो गाइस ये ट्रेन वाली झूला है, तो गाइस बताइए कौन कौन इस झूले का आनंद उठाया है। जितने लोग इस झूले में झूल चुके हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि कितना आनंद आता है झूले झूलने में। तो ये किसका फेवरेट है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और बस यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे अब प्रोफेशनल अच्छा मेला लगा हुआ है तो वैसे थोड़ा भीड़ नहीं है, जनसंख्या बहुत लोग कम जान पाए हैं ऐसा लगता है। इसका एडवर्टाइज कराना इनको पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेला लगता है, तो इसलिए यहाँ लोग जानते ही नहीं कि आज मेला या कुछ है। तो आइए कुछ बच्चों वाले झूला को देख लेते हैं। जैसे कि ये बच्चों के लिए, ये झूले बच्चों के लिए बहुत उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और ये झूलों को पसंद करते हैं। बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब झूले बच्चों के लिए बहुत ही मनमोहक होती है। और ये रहे कुछ खाने के लिए चीज़ें, जो कि कुछ खाना चाहें वो कैंडी, और ये बच्चों के लिए घोड़े वाले झूले। तो देखो कितने बच्चे आनंद उठा रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं बच्चे और खुश हैं। तो और सारे मेले में होते हैं अच्छे अच्छे, तो इतना गजब है, सुंदर है। और यहाँ कुछ बेसिक कूल सा पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ जनसंख्या नहीं है, तो इस कारण की वजह से कुछ झिल्ला स्टॉप हैं। और ये एक छोटा सा नन्ना सा ट्रेन जो कि खाली ही घूम रहा है, किसी बच्चे को कोई बच्चा सवारी नहीं किया है। तो बच्चे इसे भी बहुत पसंद करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ये भी अच्छा माना जाता है। तो इसी तरीके से मेले में है छोटे बड़े झूले। झूले तो शायद झूलों की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों की कमी ज़रूर है यहाँ पे। तो ऊंचा हार में अगर किसी पर्सन के पास वीडियो जाता है तो वो मेला जाके, अगर नहीं देखा है मेला तो जाइए देखिए मेला। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देखना चाहते हैं मेला, तो आइए हमारे ऊंचा हार, यहाँ आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। ये बच्चों को कूदने के लिए बहुत बेस्ट है। और ये पूरा दृश्य देख लीजिए आप मेले का। तो ऐसे हैं कुछ अपने मेले ऊंचा हार के प्रदर्शनी, जो कुटीर उद्योग द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पे और सारी खाने वाने वाली चीज़ें हैं, तो हम तुम्हें वो सब दिखाते हैं सारा दृश्य। ये रहा एक खाने की चीज़, बॉम्बे की मशहूर भेलपुरी। तो यहाँ का भेलपुरी बहुत मस्त है, हमने बनवाया था, बट भेलपुरी की थोड़ा कास्ट हमें ज़्यादा लगा क्योंकि यहाँ 40 रुपये का है, तो अच्छा बनाते हैं 40 के हिसाब से। ये रहा महिलाओं के लिए चूड़ियाँ और बच्चों के लिए उड़ाने वाला वो बबल्स। और ये है ज्वेलरी, जो कि महिलाएं ले सकती हैं यहाँ पे क्योंकि उन्हें बहुत ज्वेलरी पसंद है। ये है कुछ बेसिक सामान घर के, किचन के लिए छोटे छोटे डब्बा यहाँ मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए खिलौना, बॉल्स हो गए और डॉल हो गए, और बर्तन भी मिल जाएंगे यहाँ पर अच्छे से, और यहाँ कंघी भी मिल जाएगी और छबिया बिया जो भी लेना हो ले सकते हो आप। यहाँ पे ब्रश भी मंजन करने वाला मिल जाएगा, और यहाँ बैंगल्स भी हर तरीके के हैं सुंदर सुंदर, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और ये यहाँ पे सेल्स लगी हैं, यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे आपको उचित रेट में। और ये रहा लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, जो सारी लकड़ी चीज़ से बनी हुई हैं। यहाँ पे मसाला कूटने वाले और छाछ बनाने वाली चीज़ें यहाँ पे सब अवेलेबल है लकड़ी की। तो यहाँ देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे डिब्बे हैं, और कितने अच्छे अच्छे देखो डेकोरेट करने के लिए घर पे कितने अच्छे अच्छे सामान बने हुए हैं लकड़ी से। तो यहाँ लकड़ी से हर एक चीज़ बना हुआ है, और यहाँ
घड़ी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सारी यहाँ लकड़ियों की अवेलेबल है, मिल जाएंगी। ये गेट के सामने आपको ये दुकान देखने को मिल जाएगा। तो ये है लड़कियों के लिए खूंट खोटने वाले जो छोटे बड़े बड़े बैग हैं, और ये है यहाँ पे सेल लगा है जो भी है 100 रुपये, 50 रुपये, 90 रुपये जो भी है।